मैं प्रदेश के पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा, 26 तारीख को काला दिवस मनाया जा रहा है। किसानों पे लगातार केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार अत्याचार करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज के जिस ढंग से किसानों ने हिसार के अंदर एक अपनी बड़ी ताकत का एहसास सरकार को कराने का काम किया, उसके लिए मैं बहुत उनको बधाई देता हूं। और 26 तारीख के लिए विशेष रूप से पार्टी के एक एक पदाधिकारी से और एक के कार्यकर्ता से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने घर के ऊपर झंडा लगा करके और काला झंडा लगा करके 26 तारीख के विरोध में शामिल होना, और उसके साथ साथ इस विरोध की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे हर साथी जो है अपनी तरफ से वायरल करना, अपनी तरफ से भेजना, ताकि जितनी ज़्यादा तस्वीरें जाएंगी इसमें, जितने ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, सरकार पे उतना ही बड़ा दबाव बनेगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि किसान को काला दिवस ना मनाना पड़े, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करूँगा कि किसान को रोज आप आंदोलन को अलग अलग तरीके से करने पर मजबूर ना करें। अब आपने देख लिया कि किसान लगातार पिछले 6.5 महीने से किस तरह से अपने घर बार परिवार बच्चे खेत सब छोड़ करके आपके गलत फैसलों की वजह से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे, संघू बॉर्डर पे, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान में पलवल में, सब जगह पे बैठने पे मजबूर है। आप अपने गलत फैसले को वापिस लें और किसान को काला दिवस मनाने की बजाय किसान को 26 से पहले अपने ने जो अपने काले कानून थोपे उनको वापस लेकर के उसे दिवाली मनाने का सौभाग्य प्राप्त करवाएं। मैं अपने पार्टी के हर पदाधिकारी से फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि अभी आपके पास कल का पूरा दिन है, आज का पूरा दिन है, आप अपने सब साथियों से संपर्क करो और संपर्क करके अपने अपने घर के ऊपर, अपने अपने दुकान के ऊपर, अपने अपने जो भी आपकी जगह ऑफिस है और सब जगह पे काले झंडे लगा करके इसका विरोध करो, और हर जगह काले झंडों के साथ अपनी फोटो वायरल करने का काम करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाओ, ताकि केंद्र की सरकार को एहसास हो जाए कि अब किसान जो है पीछे हटने वाला नहीं, किसान अब इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुका है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके अंदर जो 26 तारीख को पूरा देश का किसान शामिल होगा, यही बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि 26 तारीख को आप बहुत अच्छे ढंग से इसको काले दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। आपका धन्यवाद।